नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर लेके आ रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, इसका नाम है ब्लड रिलेशन। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम हो गए बैंक एग्जाम, SSC, रेलवे, CAPF, इंश्योरेंस और डिफेंस के जितने भी एग्जाम है, NDA, CDS या FCAT एग्जामिनेशन हो गए, हर एग्जाम में ये टॉपिक जरूर आता है। इसके पैटर्न अलग अलग है लेकिन आता जरूर है ये, तो हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके एनालिटिकल व्यूज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरा जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, बहुत ज्यादा आप इंजॉय करेंगे और इंटरेस्टिंग वे में उस सेशन को मैं लेके चलूंगा। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन नाम से समझ में आ रहा है, रिलेशन विच रिक्वायर्ड द ब्लड, मीन्स दैट बाय बर्थ या मैरिज होने के बाद जो रिलेशन बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब बर्थ से जैसे आप किसी के सन हो या डॉटर हो, तो या मैरिज के बाद आप किसी के हस्बैंड हुए, वाइफ हुए या कजन हो गए, या कुछ ऐसा रिलेशन जो फैमिली रिलेशन में आते हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, जैसे कि मैंने बताया कि इन एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, तो मिनिमम मान के चलिए कि आप 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर वो बैंकिंग का क्वेश्चन हुआ उसमें मिनिमम मान के चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन में, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली दोस्तों वो 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है हमारा कन्वर्सेशन फॉर्म में, ठीक है, या डायलॉग फॉर्म में। दूसरा दोस्तों होता है क्वेश्चन पजल फॉर्म में, ठीक, और तीसरा दोस्तों होता है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग फॉर्म में। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें क्या होता है कि जो पहला क्वेश्चन जैसे कन्वर्जन है या डायलॉग फॉर्म है, इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन होगा और एक ही उसका मतलब एक कन्वर्सेशन का स्टेटमेंट दिया होगा और एक क्वेश्चन पूछा होगा। पजल में क्या होता है दोस्तों, अगर छोटी पजल है तो 4 क्वेश्चन, या एक थोड़ी बड़ी पजल आ गई है, जंबल कर दिया है उसको, रिलेशंस मिक्स कर दी है, तो 5 क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिकली हमारा ये इंश्योरेंस या बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग क्या हो गया, ब्लड रिलेशन में हाई लेवल हो गया, मीन्स दैट कि इसमें ब्लड रिलेशन तो पूछेंगे प्लस इसमें कोडिंग ऐड करके पूछेंगे, मीन्स चाइनीज कोडिंग या कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोडिंग, जैसे एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, ऐसे करके कुछ इसका रिलेशन करके मिक्स करेंगे कि एट द रेट मीन्स दैट ए इज द फादर ऑफ बी, और एस्टिक मीन्स दैट ए इज द मदर ऑफ बी, ऐसे करके एग्जाम्पल्स में वो पूछेंगे, फिर आपको एक क्वेश्चन देंगे, तो आपको ये कोड करके डिकोड करके फिर आपको अपना सॉल्यूशन आना है। तो आज मैं इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं पैरामीटर्स को आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में कैसे हम ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं टू रिमेंबर इन दिस ब्लड रिलेशन टॉपिक। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जैसे कि मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि फादर ए इज द फादर ऑफ बी, तो हमें बहुत पजल्ड फॉर्म में दिया होता है, बहुत ही मिक्सअप फॉर्म में दिया होता है, तो उस टाइम हम कंसीडर क्या करेंगे। जैसे कि बताइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि फादर है, फादर को आप हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, प्लस में या स्क्वायर शेप। ठीक है, मदर, मदर को कंसीडर करेंगे माइनस में या सर्कुलर शेप में। अब बात आई ब्रदर की, सिस्टर की, नाइस की, और कजन की, अंकल की, आंट की, तो उसमें हम शेप तो यही रहेगा, प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, मतलब प्लस हम कंसीडर करते हैं मेल के लिए और माइनस कंसीडर करते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, अब देखिए और क्या इसमें चीजें हैं। पहली चीज तो ये थी कि बेसिकली फादर को या कोई मेल पर्सन को प्लस करते हैं या स्क्वायर शेप, और फीमेल को माइनस या सर्कुलर शेप में। सेकेंड चीज क्या है दोस्तों, कि जब भी कोई रिलेशन, देखिए इसमें क्या होता है कि हम 3 जनरेशन की बात करते हैं। ठीक है, 3 जनरेशन की, और इसमें हम बनाते हैं फैमिली ट्री। बिना फैमिली ट्री के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, वो स्टेटमेंट बेस्ड का हो या कन्वर्सेशन बेस्ड का हो या पजल में हो या आपका कोडिंग डिकोडिंग का हो, बिना फैमिली ट्री के वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले आप फैमिली ट्री बनाएंगे, और उस फैमिली ट्री में मिनिमम आपके 3 जनरेशन जाएंगे, मिनिमम, मैक्सिमम तो आपके मतलब सॉरी मैक्सिमम जाएंगे, मिनिमम 1, 2 या 3 तक होता है। ठीक है, इसमें करना क्या होता है कि देखिए
सबसे पहले आता है फादर का, फादर मदर का, फिर इनके सन का आता है, और यहां पे आता है ग्रैंड सन का, मतलब ग्रैंड फादर का। देखिए ग्रैंड फादर या मदर का, ठीक है, यहां पे फादर ऑब्लिक मदर का, और फ्रेंड्स यहां पे आता है सन और डॉटर का। अब होता क्या है कि फादर और मदर में ही हमारा आंट होते हैं, ठीक, अंकल होते हैं, ठीक है, और ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर ये तो थर्ड जनरेशन हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं से फादर और मदर जो है, इनके फादर और मदर हैं, इनके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, ठीक है, तो ये यहां से फिर वो थर्ड स्टेप में भी जा सकते हैं, मतलब यहां से थर्ड जनरेशन भी उनका वहां से हो सकता है, ठीक है, मतलब इन लॉज, ठीक है, ये यहां से भी जा सकते हैं। तो ये कुछ फैमिली ट्री हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। ये हो गए सिंबल मेल और फीमेल को शो करने का, ये हो गए, मैंने बता दिया कि आपको फैमिली ट्री, हमें क्या करना है, फैमिली ट्री बनाना है। सबसे पहले हमारा मोटिव ये हो चाहिए, क्वेश्चन को हम ध्यान से रीड करेंगे, पहली बार क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम जज करेंगे फैमिली ट्री कहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रही है कि यहां सन से स्टार्ट बात कर रहा है, कि फादर से बात कर रहा है, कि ए इज अ फादर ऑफ बी, वहां से स्टार्ट कर रहा है, कि ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर बोल रहा है, ठीक है, तो वहां से देखेंगे। फिर क्या करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई हमारे थर्ड बात, फोर्थ बात क्या है। अब देखिए फोर्थ में क्या होता है कि अगर बोल दिया कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, हमने क्या कर दिया, कनेक्ट करना है हमें, मतलब फादर मदर को एक ही सिंबल पे लाना है, हम क्या कर दिए, ए को प्लस कर दिया और बी को कर दिया माइनस। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मेल है फीमेल है। अब इसको हमको फैमिली ट्री बनाने से पहले क्या करना, मतलब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और ऐसे ऐसे मार्क करना पड़ेगा ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमारा सिंबल है कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी में ए बी को ड्रॉ करिए, इसको नेगेटिव में दे दीजिए, इसको पॉजिटिव में दे दीजिए, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है, और ये इसका हस्बैंड के लिए ऐसे अर होता है, ठीक है। ये तो हो गया हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन। अगर हमें सिस्टर का ड्रॉ करना है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, हमें क्या करना होगा, फिर ए ऐसे बना के ऐसे और ये माइनस साइन, ठीक है, बी की सिस्टर है, ठीक है, ये होता है। चलिए और आगे बढ़ते, मैं और आपको आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको सारे ब्लड रिलेशन के जितने भी स्पेसिफिक टॉपिक्स थे, जितने भी ट्रिप्स थी और ट्रिक थी, जितने भी थे, मैंने आपको आपको बता दी। अगर मैं सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उस सेशन को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से कैसे हम डील करते हैं ब्लड रिलेशन को, ठीक है दोस्तों। ये है पजल्ड फॉर्म में क्वेश्चन, जिसकी आज मार्केट में डिमांड है। मीन्स क्या कि हर एग्जामिनेशन में पजल्ड फॉर्म में ही क्वेश्चन आ रहा है। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े फॉर्म में भी आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है ये। इसमें देखो दोस्तों लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ एंड एच आर द फैमिली मेंबर्स, यहां तक क्वेश्चन, ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर। यहां तक पहला स्टेटमेंट था कि यहां से ये क्या है, एक फैमिली मेंबर्स हैं, कितने हैं, दो चार दो छह सात, सात लोग फैमिली मेंबर्स हैं, एक ही फैमिली के हैं और आपस में रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ए इज द फादर ऑफ डी, हु इज द ब्रदर ऑफ एफ, ठीक, ई इज द हस्बैंड ऑफ एच, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, बी इज द सन ऑफ डी एंड द हस्बैंड ऑफ सी। अब हमें क्या करना है इसमें कि इसका एक फैमिली ट्री बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें फैमिली ट्री बनाने के बाद हमसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो मिनिमम मान के चलिए पांच क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है, जो एग्जामिनेशन जो भी एग्जाम कंडक्ट करा है, बैंक करा रहा है, इंश्योरेंस करा रहा है, वो पांच क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें इससे क्या करना है, फैमिली ट्री बनाना है, और वो भी सही बनाना है, क्योंकि अगर आपने फैमिली ट्री सही नहीं बनाया तो क्या होगा, आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि फैमिली ट्री कैसे सही बने, तो हमें उसको सही करने के लिए इस पूरे क्वेश्चन को एनालिटिकली वे में सॉल्व करना होगा। मींस दैट कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय अपने दिमाग में पिक्चर बनानी पड़ेगी, एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे कौन किससे रिलेटेड है। और जो मैंने अभी आपको टिप्स सिखाई थी कि मेल को प्लस फीमेल को माइनस, रिलेशन में जो हस्बैंड है उसमें डबल लाइन एरो के साथ, अगर ऊपर जनरेशन है या नीचे जनरेशन है, कैसे भी करना, वो सारी चीज़ों को माइंड में रख के तब आगे सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों पहला स्टेटमेंट क्या है इनका कि ए इज द फादर ऑफ डी, हु इज द ब्रदर ऑफ एफ।
तो यहां पहले देखिए, ए इज फादर, ये बीच वाली लाइन हो गई, ये अबव और ये बिलो, मतलब ये हो गई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और ये होगी थर्ड जनरेशन, ठीक है। फादर है, सेकंड जनरेशन में आएगा, तो ए इज द फादर ऑफ डी, ठीक है, डी का ये फादर है। फादर में क्या होता है, मेल है प्लस, अभी हमें डी का जेंडर नहीं पता, ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में लास्ट में बोल देता है कि ए इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ए इज द ब्रदर ऑफ सी बोला है, मतलब ए का हमें जेंडर पता है कि वो मेल है, प्लस होगा, लेकिन सी का नहीं पता, तो सी का प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, मींस क्या वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें आप प्लस माइनस ऑब्लिक में रखिए, पॉसिबिलिटी लेके चलिए, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आगे बोल दिया हु इज द ब्रदर, लेकिन फिर भी यहां तक आप नोट करने के लिए आप इसमें यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, हु इज द ब्रदर ऑफ एफ, हु, दोस्तों जो हु वर्ड है हमेशा आपने ब्लड रिलेशन के पजल में नहीं, आपने अलग अलग पजल में भी देखा होगा, तो जो हु है वो जस्ट इसके पहले वाले वर्ड के लिए, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे एंड कर दूं, ए एन डी एंड, एंड कर दूं, तो ये जो एंड है वो इस वाले सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ना कि इस सब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बारीकी से देखनी होती है किसी पजल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हु जो यहाँ इसके लिए ये क्या लिखा है, डी इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो डी क्या है, एफ का ब्रदर है, प्लस कर दिया मैंने और यहां पे एरो दे दिया ऐसे, एफ का है, ठीक है। फिर लिखा है ई इज द हस्बैंड ऑफ एच, अब यहां ई तो नहीं है तो क्या करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें डायरेक्टली यहां पे बना देना पड़ेगा, ई इज द हस्बैंड ऑफ एच, प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, एरो दे दिया, इसको छोड़ दिया किनारे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, अब देखिए एफ सिस्टर ऑफ ई, अब यहां मिल गया हमें ये, इसके जेंडर मिल गया ना, फीमेल है ये, एरो मार्क कर दिया, एफ ई की है ये सिस्टर, ठीक। अब यहां पे दिया था ई इज अ हस्बैंड ऑफ एच, तो ई का भी जेंडर पता चल गया, ठीक है, एच ये प्लस ये माइनस, ठीक। अब देखिए यहां तक तो हम बढ़ गए, ये हमारा हो गया। अब लिखा हुआ बी इज अ सन ऑफ डी, सन मींस देखिए अभी ये हमारा थर्ड जनरेशन हो गया, अबव में ये हो गया सेकंड जनरेशन, अब देखिए सन की बारी आ गई, बी इज अ सन ऑफ डी मींस दैट अब इसके नीचे पहुंच गया सन नेगेटिव में, ठीक है, मतलब हमारे थ्री जनरेशन हमने कवर कर दी, ठीक है। इसके अबव बिलो और अबव नहीं पूछते हैं, ठीक है। एंड हस्बैंड ऑफ सी, देखिए मैंने बताया था ना हु आएगा तो जस्ट पहले वाला और एंड आएगा तो बाद वाला, अब देखिए यहां पे एंड आया है, ये एंड इसके लिए है ना कि इसके लिए, ठीक है। तो बी इज द सन ऑफ डी एंड हस्बैंड ऑफ सी, तो बी जो है वो सी का हस्बैंड है, सन सॉरी सन और हस्बैंड ऑफ सी, तो ये नेगेटिव हो गया। दोस्तों ये कुछ रिलेशंस थे, ठीक है, इसको कहते हैं फैमिली ट्री, जिसमें क्या मेल भी बनाया फीमेल भी बनाया, रिलेशन भी दिखाया ब्रदर सिस्टर का और एक फादर मदर का भी दिखाया रिलेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चंस करते हैं और इन चीजों को अगर आप ध्यान देंगे हु और एंड कहां पे हम यूज करते हैं, यहां पे कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस पजल को एक राइट वे में लेके जा सकते हैं, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको इजी सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बस यहीं तक था और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा और एक एक कॉन्सेप्ट मैंने डीपली आपको समझाया है तो आप भी उसको डीपली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी 1% भी कहीं पे भी आपको शंका लगती है डाउट वीडियो में मेरे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और जितने भी मेरे व्यूवर्स अभी नए आए हैं, नए व्यूवर्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है त्रिशांत एकेडमी, वहाँ पे भी आप जाके सारे वीडियोस जितने भी मैंने डाले हैं और मेरे और अदर फैकल्टीज हैं उनके वीडियोस पढ़े हुए, उनको भी आप एक नॉलेज की फॉर्म में आप उन वीडियोस का यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारा वेबसाइट है, इसका नाम है www.trishantacademy.in, वहाँ पे भी जाके आप अलग अलग कोर्सेज हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के, वहाँ पे भी आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर।